के अपने रोटेशन सेफ, और यहाँ पे सेंटर बिल्डिंग होल्ड कर किए थे अपने सेफ स्पॉट से निकल के, यहाँ पे थर्ड रोटेशन पे आ चुके हैं, और थर्ड रोटेशन से यहाँ पे मिडिल रोटेशन की तरफ प्रोसीड आउट कर रहे हैं। देखना पड़ेगा INES के प्लेयर्स को, अगर यहाँ पे नॉक करते थे तो टीम INES के प्लेयर्स काफी ज्यादा दिक्कत में होंगे। काफी को यहाँ पे उन्होंने स्पॉट जरूर कर दिया है। टीटी के मिस्टर स्प्रे ने यहाँ पे स्प्रे डाल दिया है मेगास्टार्स से स्वैग की तरफ, बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी ले चुके टीम मेगास्टार्स के प्लेयर्स। काइंड ऑफ अनश्योर है कि टीम तमिलस के प्लेयर्स कहाँ कहाँ से आने वाले, काफी ज्यादा एक ही कंपाउंड में वो क्लस्टर अप जिसकी बात करते हैं वो हो चुके हैं, और टीम तमिलस इस चीज का बखूबी फायदा उठा रही है। तो ये दोनों टीम्स के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही है, देखना पड़ेगा इस फाइट का विजेता कौन घोषित किया जाएगा। जी हाँ, वो उस इन्फॉर्मेशन, एक मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहां पे टीम तमिलास के प्लेयर्स। उसके अलावा वो एक और चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो ये है कि मेगा स्टार्स बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में एक टीम के अगेंस्ट ऑल आउट फाइट लेकर आ रही है जयन मारा के अगेंस्ट, तो वो एक चीज है जो यहाँ पे मेगा स्टार्स को भी डिसएडवांटेज पे डालेगी। और अगर टीम तमिलास इसी तरह से इसको, इस सामने वाली टीम को प्रेशर करती रहे तो उनके लिए एडवांटेजेस हो सकता है। बट इन द मीनवाइल वेक्सी को एक काफी अच्छा बैकस्टैब मिल जाता है और वहाँ पे टीम तमिलास के ऊपर सिचुएशन जो है वो पूरी टर्न अराउंड कर देते हैं, एक पिक ऑफ निकाल के अपनी टीम को फिर से मैन एडवांटेज डाल देंगे। बट कैरी का एक अच्छा नेड आता है, वो वेक्सी को डाउन कर देंगे एंड स्वैग अपने टीममेट को कवर फायर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से वो सामने वाले प्लेयर्स को रशन करने से रोके। बट आई डोंट थिंक वैसा करना काफी ज्यादा एक इजी सिचुएशन होगी स्ट्राइकर को, जैसे हम देखते पीछे वाले कंपाउंड में पहुंच चुके कैरी के साथ। पैराडॉक्स ने एक मॉल्टोव डाल के एक रोटेशन को रोकने की कोशिश की, बट दूसरी तरफ से अगर प्लेयर्स वैक्सी की तरफ पहुंच जाते तो वैक्सी को इस गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। स्ट्राइकर अभी भी एक अप्रोचिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो प्लेयर्स है वो उस कंपाउंड उस हट के अंदर घुस चुके हैं, और पैराडॉक्स को भी कैरी का एक और नेड यहां से नॉकडाउन कर देगा। द मैन इज अ वॉकिंग रेड जोन, दो नेड्स फेंके, दो प्लेयर्स को नॉकडाउन किया, मेगा स्टार्स की तरफ से सिर्फ दो और खड़े हुए बच्चे, और अगर इन दोनों को फिनिश कर देते तो मेगा स्टार्स को पता चल जाएगा कि उनके पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मिनी मैप पे जैसा अगर नजर डालती तो पीछे से एक और प्लेयर क्लोज इन कर रहा था, और टीम तमिलास यहाँ पे मेगा स्टार्स को वाइप आउट कर सकती है। अनदर टीम किल्स बीइंग हैंडेड ओवर, क्योंकि मेगा स्टार्स ने यहाँ से रोटेट करने की ट्राई आउट करी थी, उन्होंने कोशिश करी थी किसी तरह इस सिचुएशन को अवॉइड करके यहाँ से निकल सके, बट फिर वेक्सी के वो किल के बाद उन्होंने री एंगेज करने के लिए वो रुक गए, और उसके बाद टीम तमिलास ने जो सिचुएशन थी वो पूरी की पूरी पलट के रख दी। यस, और बहुत ही क्रूशियल था जो वहाँ पे जो हमारे स्ट्राइकर का नेट, क्योंकि वो अगर नहीं जाता ठीक समय पे तो शायद दिक्कत हो सकती थी। वहाँ पे जो वैक्सी को उन्होंने नॉक कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो स्टार प्लेयर थे मैंटी वो नॉक और फिनिश हो चुके थे, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल ग्रेनेड था वहाँ पे उनके तरफ से, बट यहाँ पे फाइट फाइनली छिड़ चुका है। टीम एक्सट्रीम के नीको की तरफ पुशिंग करते हुए कापसी ने उनको उजी के द्वारा बहुत ही प्यारे तरीके से नॉक कर दिया, उनको फिनिश ऑफ भी कर देना चाहेंगे। INES के मशीन भी क्लोजिंग करते हुए उत्सर्ग यहाँ पे एक अच्छे पोजीशन पे टीपीपी लेते हुए बैठे, नीचे की तरफ से अगर कोई आ जाता है तो उनके लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं यहाँ पे अभी उत्सर्ग ने अपने आप को थोड़ा सा ओपन डाल दिया है, पीछे अंदर के कंपाउंड्स की तरफ से वो सिक्योर्ड जरूर है, बट पीछे की तरफ अगर कोई आ जाता है तो पूरा का पूरा ओपन एंगल उनके पास है कि उत्सर्गा को टेक डाउन कर सके। INES के प्लेयर्स भी चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जब एक पुश करते हुए बिल्डिंग के तरफ, एक कंपाउंड की तरफ जहां पे बहुत सारे चोक पॉइंट्स है, बहुत सारे चोक एंगल्स है, तो आपको बहुत ही सतर्क होकर पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटी सी चूक हो जाती है तो इन सारे प्लेयर्स में वो काबिलियत है, वो खूबी है कि इंस्टेंटली आप पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ से नेट्स कुक करे जा रहे हैं टीम INES के प्लेयर्स, बहुत ही एक अग्रेसिव स्टांस लेते हुए यहाँ पे उन्होंने जरूर किल कार्ड का इस्तेमाल करा है, तो उसका फायदा भी उठाना चाहती है। तो यहाँ पे देखते हैं INES के बद्रेव क्या कमाल दिखा पाते हैं। टीम एक्सट्रीम के डीमन यहाँ पे ऊपर चढ़ चुके हैं, टीम मेगास्टार्स के दो प्लेयर जो हैं यहाँ पे बच गए थे अब वो वाली फाइट से, वो आ चुके हैं यहाँ पे थ्री वेयरहाउसेस के पास। तो तीन टीम्स के बीच में मे बी फाइट देखने को मिल सकता है अभी, टीम नंबर 17 दैट इज टीम एक्सट्रीम, टीम INES और टीम मेगास्टार्स। एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमको इन सब टीम्स और इन सब प्लेयर्स की तरफ से देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पावर हाउस फिर से दिक्कत में हो सकती है जब उन पे एंगेजमेंट होगा फ्रॉम टीम INES, बट वो एक अलग फाइट है। अभी वाली जो सिचुएशन है उसमें एक इंप्रेसिव चीज ये थी कि किस तरह से INES ने अपनी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और सेंटर बिल्डिंग में कंट्रोल लेने में वो सक्सेसफुल रहे, बट अभी यहाँ पे उनका नेक्स्ट टारगेट कंट्रोल लेने के बाद होगा टीम एक्सट्रीम को वाइप आउट करना। एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉकडाउन किया गया, काजी काफी सारा डैमेज ले चुके थे, ज्यादा देर तक करेंगे, बट दो प्लेयर्स को काजी डाउन कर चुके एंड तीन के साथ मशीन पीछे से आएंगे एंड दैट्स गोना बी अ वाइप आउट टीम एक्सट्रीम। What was that? INES के पास पूरा कंट्रोल था, बट सारे के सारे प्लेयर्स एक एक करके कापसी के अंदर घुसते चले गए, कापसी ने उसका काफी अच्छे से फायदा उठाया था। काजी ने, आई एम सॉरी,
काजी के अंदर प्लेयर्स रशिंग कर रहे थे, काजी एक कॉर्नर कंपाउंड होल्ड कर रहे थे, बट टीम एक्सट्रीम अब इस सिचुएशन में ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, क्योंकि मेगा स्टार्स के जो दो प्लेयर्स बचे थे स्वैग और एनकोर, वो अब टीम एक इंजर्ड टीम एक्सट्रीम के ऊपर चार्जिंग कर रहे हैं। उनको एक प्लेयर फ्री बाहर मिला था, उन्होंने वो किल अपने लिए सिक्योर किया जो नॉकडाउन सामने वाली टीम ने किया था, बट अब काजी और डीमन यहाँ पे बचे हैं और देखना होगा ये दो प्लेयर्स अपनी टीम को कहां तक लेकर जाएंगे। बट वंस अगेन जो उस सेंटर बिल्डिंग के अंदर अभी हुआ है, दैट वाज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम INES। यस, बट जैसे अभी मैंने इसी बारे में ही डिस्कस कर रहा था, आपसे बात करी थी, जो चोक पॉइंट्स होते हैं जब आप एक बिल्डिंग के अंदर पुश करते हो, आपको चोक पॉइंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और इसी का फायदा ही उठाया टीम एक्सट्रीम के प्लेयर्स काजी ने। और इन द मीनवाइल बात करते करते दो नेपाली टीम्स के बीच में फाइट हो चुका है, यहाँ पे डेटाइज और टीम एलिमेंट्रिक्स के बीच में एक दूसरे को नॉक फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और मवी यहाँ पे फिलहाल खेल रहे हैं इस गेम में, INDK के स्नैक्स को इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश कर दिया, तो दो फाइट्स, तीन फाइट्स इनफैक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे। स्लेयर ने वहां पे मवी को M4 के सहारे नॉक कर दिया, टीम डेडाइस के प्लेयर्स अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं, मॉन्ग सर और शिफू सर उन्होंने बहुत ही अच्छा लेफ्ट एंड राइट एंगल पकड़ रखा है, ट्रांस ने यहां पे मवी का जो किल है वो भी कंफर्म कर दिया, और इसी के साथ टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को यहां पे थ्री मैन स्क्वाड में तब्दील कर दिया है। ऑरेंज रॉक के दलजीत यहां पे कोशिश करेंगे एक दूसरा अच्छा एंगल निकालने के लिए, क्योंकि टीम INDK के प्लेयर्स को अगर आप जितना टाइम दोगे, यहां पे स्लेयर जो है हाई ग्राउंड लेके बैठे हैं, तो पूरी की पूरी यहां पे नजर रख रहे हैं टीम ऑरेंज रॉक के सारे मूवमेंट्स पे, और INDK ट्रांस से काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, वंपायर को यहां पे काफी ज्यादा ओपन में स्पॉट कर लिया, ट्रांस हल्का सा गलती होता हुआ उनके तरफ से और फिनिश आउट कर जाएंगे करने की कोशिश, बट यहां पे नहीं करने में सक्षम हुए, एक काफी अच्छी कोशिश करी थी उन्होंने, बट अब हमें थोड़ी देर में अगला सर्कल मिल जाएगा। एंड वंस अगेन ये एक कनेक्टिंग पॉइंट सर्कल है, क्योंकि आप देखिए वो सेंटर वाली जो रिवर है वो काफी ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन होगी प्लेयर्स के लिए डील करने के लिए, अभी जो ये फाइट है ऑरेंज रॉक और INDK के बीच।